हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड आज का जो वीडियो है वो मैंने स्पेशली दिसंबर वालों के लिए डेडिकेट किया है। बहुत सारे दिसंबर वाले मुझे बोल रहे थे कमेंट्स में कि दीदी अब अगस्त का हो गया एग्जाम, अब आप दिसंबर के लिए कुछ करो। सो हियर यू आर, मैंने इस वीडियो में इतने सारे अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं जो शायद ही आपको कहीं और मिलेंगे। एंड अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हो तो पास तो क्या आपको AIR भी आ जाएगी। सो वॉच टिल एंड। तो मुझे सबसे पहले ये क्वेश्चन का आंसर दो कि समझो अगर एक हफ्ते बाद तुम्हारा ट्रिप होता है या फिर एक महीने बाद तुम्हारा ट्रिप होता है, तो टेल मी ऑनेस्टली कितने दिन पहले से आप उस ट्रिप की प्रिपेरेशन करना स्टार्ट कर देते हो। लड़कियां तो आई गेस 3-4 दिन पहले से ही सोचना चालू कर देती है कि हम ये पहनेंगे, सुबह ये पहनेंगे, घूमते टाइम ये पहनेंगे, ये चीज़ें लेके जाएंगे। लड़के लोग भी सोचते हैं हम कौन सा शूज पहनेंगे, क्या करेंगे, सब प्रिपेरेशन स्टार्ट हो जाती है एक हफ्ते पहले से ही। एंड फिर ट्रिप अच्छा भी जाता है, इट डिपेंड्स, बट प्रिपेरेशन तो पहले से स्टार्ट हो जाती है। वही सेम डेडिकेशन प्रिपेरेशन का हम एग्जाम में क्यों नहीं देते, एग्जाम में भी नहीं सेल्फ स्टडी पीरियड में क्यों नहीं देते। अभी तुम्हारा कोचिंग चल रहा है, क्या पता एक दो हफ्ते बाद तुम्हारा कोचिंग कंप्लीट हो जाएगा एंड यू आर कंप्लीटली ऑन योर सेल्फ स्टडी। तो प्रिपेरेशन दो ना कि मेरा एक हफ्ते बाद सेल्फ स्टडी का पीरियड आने वाला है, मैं कैसे करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, कौन सा कवर करूंगा, क्या रूटीन होगा। अगर यही सेम डेडिकेशन आप लोग सेल्फ स्टडी के लिए दे रहे हो तो यार ऑब्वियसली पास तो क्या रैंक में आ जाएगी आपको। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिसंबर वालों के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शिखर बैच अनअकैडमी ने वापस लॉन्च किया है। 18 अगस्त को मॉड्यूल 1 स्टार्ट हो रहा है, 23 अगस्त को मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो रहा है। सो इसमें खास बात यह है कि CS अमित वोहरा सर मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स लेने वाले हैं और राहुल कुमार सर टैक्स ले रहे हैं। मॉड्यूल 2 में CA के सुनील केसवानी सर, CA मुरगेश सर, CA इकतदार सर, टॉप नॉच एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। ये सिर्फ सब्सक्रिप्शन टू क्लासेस नहीं है, इट इज़ मोर देन क्लासेस। यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। एवरी 4th सेशन इज अ डाउट सॉल्विंग सेशन। अब आपको क्या करना है, सब कैसे मिलेगा, वेरी सिंपल। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, आपका जो भी गोल है वो आपको सेट करना है एंड देन यू हैव टू प्रोसीड फॉर द पेमेंट्स। इसका जो प्लान है ना, दैट इज द बेस्ट प्लान, बिकॉज अगस्त में आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, सितंबर में आप एलिजिबल हो जाओगे मॉक टेस्ट पेपर्स सॉल्व करने के लिए, नवंबर में यू विल गेट क्विक रिविजन विद टॉप नॉच एजुकेटर्स एंड दिसंबर में यू विल ऑल्सो गेट 1-day रिविजन मैराथन जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। इसकी प्राइसिंग डिटेल्स मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड CS नेहा फॉर 10% डिस्काउंट। बाय, बेस्ट ऑफ लक। ये बिल्कुल उस भजन की तरह है, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है प्रोफेशनल एग्जाम में पास होना मुश्किल है, तुम दिल से पढ़कर तो देखो। सो इसी से मैंने मेरा फर्स्ट पॉइंट कंक्लूड किया है कि इंटरेस्ट, आपका जो सेल्फ स्टडी का पीरियड आने वाला है उसमें इंटरेस्ट डेवलप करो अभी से। अभी अगर आपके 2 हफ्ते भी बचे हैं कोचिंग कंप्लीट होने, तो अभी से प्लानिंग करो कि मैं उस पीरियड में कितना कवर करने वाला हूँ, कैसे कवर करने वाला हूँ एंड ये सब कैसे होगा। अगर आप मेरा चैनल विजिट करोगे तो आपको बंडल्स ऑफ स्ट्रेटजीज मिलेगी कि क्या करना है, कैसे करना है। स्टार्ट प्लानिंग राइट नाउ। सेकेंड स्ट्रेटजी ना थोड़ी अलग है, आई गेस ये सब पे एप्लीकेबल होती भी नहीं होगी, बट ठीक है। सो सुन लो दिसंबर वालों, अगर आप रिलेशन में हो, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, तो आप लोग को थोड़ी अलग प्रिपेरेशन चाहिए होगी। लेट्स नॉर्मलाइज दिस टॉप, बिकॉज वाई नॉट, क्योंकि यार एक रिलेशन में होकर पढ़ाई बैलेंस करना इज नॉट अ ईजी टास्क, है ना। क्योंकि अगर आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड झगड़ालू है फिर तो भाई खत्म, फिर तो कैसे ही होगा मैनेज। तो अगर आप रिलेशनशिप में हो तो अभी से आपके सामने वाली पार्टी को, आई मीन गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को इन्फॉर्म कर दो कि ब्रो मेरा 4-5 महीने बाद एग्जाम आने वाला है, सो प्लीज थोड़े झगड़े कम करना, मेरे को पीस चाहिए। बट इससे भी वो नहीं मानेंगे, अगर झगड़ालू नेचर है तो झगड़े तो होने ही वाले हैं। तो थोड़े 2-3 झगड़े होंगे, फिर आप बार बार याद दिलाओ तो उसको आदत हो जाएगी। इफ इट इज नेसेसरी तो उनसे ब्रेक ले लो थोड़ा 2-3 महीने का कि मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। ये एडवाइजेबल नहीं है, बट इफ यू आर समवन जो बहुत ही डिस्टर्ब है उनसे, तो फिर
गो फॉर इट, टेक अ ब्रेक. उनको बोलो कि नहीं मुझे अभी पढ़ना है सो मेरे को 2-3 महीने का ब्रेक चाहिए. अभी से उनसे ये सब डिस्कस करना चालू कर दो कि भाई मैं सिर्फ तेरे को पूरा दिन कॉल नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, हमारी बात सिर्फ रात को होगी इतने समय तक. तो उसको अचानक झटका मत दो एट द एंड ऑफ द मोमेंट, तो बेचारी भी फिर क्या ही करेगी ना. आप उसको अचानक झटका दे दो कि अब सिर्फ नो बात, सो दिस इज नॉट फेयर टू हर या हिम एज वेल. सो अभी से उनको इन्फॉर्म करके रखो, अभी से अपना रूटीन उस तरीके से बना लो. अब आ जाते हैं एक्चुअल स्टडी में. ये जो फर्स्ट 2 स्टेप्स आपने फॉलो कर दिए, इंटरेस्ट डेवलप कर दिया जो भी आपका रिलेशन था उनको, अब रिलेशन में सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही नहीं आते, आप उसमें आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दो, रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर दो, आपके कोई क्लोज फ्रेंड्स है उनको इन्फॉर्म कर दो. सो आपने सराउंडिंग बना दिया. अब आता है हमारा एक्चुअल स्टडी कि आप पढ़ने कैसे वाले हो सेल्फ स्टडी में. ठीक है, अभी वो सब वीडियोस होते हैं ना कि आप इतने इतने महीने में इतना कवर करो, यार वो मुझे एकदम वेस्ट लगता है, क्योंकि जो बोल रहा है उसमें उसको क्या पता कि जो सुन रहा है उसके साथ क्या क्या होने वाला है उस टाइम पे, क्या क्या सिचुएशंस आने वाली है. यू नो बहुत सारे आउटर सर्कमस्टेंसेस होते हैं, शादी होती है, फैमिली का फंक्शन, सब वही सब होता है. तो ये आप हो जो डिसाइड करोगे कि मुझे इतने टाइम में इतना कंप्लीट करना है. आई एम हियर टू ओनली टेल यू हाउ, आपने जो भी टारगेट किया है उसको आपको कैसे अचीव करना है उसके लिए मैं हूँ. सो जो थर्ड पॉइंट है वो वही है कि आप कैसे एक्चुअल में पढ़ने वाले हो. जो भी पढ़ने वाले हो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम बीकॉम की तरह या फिर कोई 5th-6th की तरह कि हाँ बुक उठाया पढ़ा पेपर या उसके क्वेश्चन सॉल्व किए खत्म. ऐसे पढ़ाई नहीं होती, आपको पहले क्वेश्चंस देखने हैं. ऑल्दो आप क्वेश्चन सॉल्व मत करो, इट इज़ रिकमेंडेबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप पहले सिर्फ क्वेश्चन देखो कि मैंने आज ये चैप्टर उठा के देखा है, अब मेरे को इसके क्वेश्चंस देखने हैं एंड फिर पढ़ो. इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ट्रस्ट में. मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट्स पे, DMs पे, मैसेजेस पे, ईमेल पे बोला है कि दी ये स्ट्रैटेजी ने बहुत काम किया मेरे पे. सो पहले क्वेश्चन सॉल्व करो. अब हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस, फर्स्ट 5 पेपर्स आता है, स्कैनर आता है, मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चंस होते हैं, वो सॉल्व करो. पहले सॉल्व करो, देखो कि अच्छा ये चैप्टर से ये बहुत बार पूछा गया, ये चैप्टर से ये ज़्यादा आया है. अगर आप कंपनी लॉ का पेपर देखोगे इस टाइम का, न्यू अटेम्प्ट का, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीटेड थे. सो जिन्होंने 5 पेपर सॉल्व किए उनके लिए बहुत ईजी क्या रहेगा. सो पहले क्वेश्चंस देखो एंड फिर पढ़ना स्टार्ट करो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सब चीज़ें जो मैं अभी बताने वाली हूँ वो आपको मेक श्योर करना है कि आप आपके सेल्फ स्टडी के रूटीन में कंप्लीट करो. एंड ट्रस्ट मी, अगर इतना पढ़ लिया ना फिर तो बहुत हो गया, बहुत हो गया. कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, पेपर भी अच्छा जाएगा. सो क्या क्या पढ़ना है मैं प्रायोरिटी वाइज बता दूँ. सबसे पहले आपका क्लासेस का नोट्स, अगर आप क्लासेस में जाते हो तो आपके क्लासेस वालों ने आपको नोट्स दिया होगा, वो नोट्स वो लोगों ने बहुत अच्छे से बनाए होंगे, सब कुछ कवर करके बनाए होंगे और आपने उसी से पढ़ा है पूरा साल. तो सबसे पहले आपके क्लासेस के नोट्स को प्रायोरिटी दो, वो कवर करो. आई गेस वो अगर जो लोग क्लासेस से साइड बाई साइड पढ़ रहे हैं, पैरेलल पढ़ रहे हैं, उनका वो ऑलरेडी कवर हो गया होगा. सेकेंड मैं बोलूँगी आप स्कैनर सॉल्व करो या पास्ट पेपर सॉल्व करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं हर वीडियो में इसको एम्फोसाइज करती हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पास्ट पेपर सॉल्विंग, स्कैनर सॉल्विंग, ये प्रायोरिटी पे रखो. सेकेंड, थर्ड मैं बोलूँगी मॉड्यूल. मॉड्यूल बहुत सारे लोग निग्लेक्ट करते हैं बट डोंट निग्लेक्ट, एक रीडिंग तो करनी बनती है मॉड्यूल की, एक से ज़्यादा होनी चाहिए बट मिनिमम एक रीडिंग मॉड्यूल की करो. एंड फोर्थ, अगर आपके कुछ पर्सनल नोट्स होंगे जैसे रिविजन नोट्स हो गए, आपने कुछ माइंड मैप बना दिया, क्लासेस में हैंड रिटन नोट्स हो गए, वो कवर करो. सो ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू कवर व्हेन यू डू सेल्फ स्टडी. अगर ये सब चीज़ें कवर हो जा रही है देन इट्स ओके. तो ये सब चीज़ें कवर कैसे होगी, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला था इंटरेस्ट डेवलप करो, अब भी इसे तैयारी स्टार्ट कर दो, प्लानिंग स्टार्ट कर दो कि क्या करना है कैसे करना है. सो गाइज आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. डिसम्बर वालों याद रखना ये सब टिप्स, अभी से स्टार्ट कर दो. बाय, बेस्ट ऑफ लक.